सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज हम मोशन चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज मोशन ऑफ अ लिफ्ट। अभी तक जब भी हमने मोशन वर्ड सुना है, मोशन मतलब कि गति, तो कोई भी चीज़ में अगर पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी, वो मोशन में है। तो मोशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, लाइक आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, किसी व्हीकल में मूवमेंट होना, या फिर बॉल का या किसी राउंड सर्कल किसी चीज़ का रोल होना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं मोशन के। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ लिफ्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे 4 to 5 सिचुएशंस होती हैं जिसके ऊपर बेस्ड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ मोशन ऑफ अ लिफ्ट, लिफ्ट की गति। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें दो मेजर टर्म्स हैं जो बार बार यूज़ होने वाली हैं, तो पहले उनको समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्चुअल वेट एंड सेकेंड वन इज़ अपेरेंट वेट। वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देखिएगा, आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें हम पढ़ेंगे एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट वो वेट होता है जो किसी भी बॉडी में या ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी की वजह से होता है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। यह हमें पता है कि अर्थ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, इसलिए कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट, बॉडी ऊपर गई है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो ये जो फोर्स जिसकी वजह से वो चीज़ नीचे आई है, जिसने उसको अट्रैक्ट किया है, ये हमारा एक्चुअल वेट होता है जो कि ग्रेविटी की वजह से सिर्फ लगता है। नाउ एक्चुअल वेट, इट इज़ अ वेट ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो एक्चुअल वेट के लिए जो सिंबल है W होता है, इसको mg से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल्स टू m इंटू जी, m हेयर मास एंड g इज ग्रेविटी। ठीक है, इसमें वैल्यू आप 9.8 या फिर 10 ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अपेरेंट वेट। जो अपेरेंट वेट होता है ये वो वेट होता है जो कि एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही नहीं, इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फोर्स है किसी भी बॉडी का या मास है उसकी वजह से भी जो अप्लाई हो रहा होता है। तो ये दो मेजर टर्म्स हैं जो अभी आप लिफ्ट वाली सिचुएशंस में पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ अ लिफ्ट। इसमें 4 सिचुएशंस हमारे पास आती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 4 सिचुएशंस दे रखी हैं। इसमें एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, और इसके अंदर मैंने एक पर्सन को खड़ा किया हुआ है। ये ड्राइंग थोड़ी ख़राब है इसलिए आप इमेजिन कर लीजिए एक पर्सन इसमें खड़ा हुआ है। तो हमारे पास 4 सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट तो ये कि अगर लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है, मीन्स कि आप लिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, और आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या किसी भी फ्लोर पर आप जा रहे हैं, तो इन शॉर्ट जब लिफ्ट ऊपर की साइड जाती है तो उस टाइम पर क्या होता है, हमें जो हमारी बॉडी का वेट है ना वो बहुत हैवी लगने लग जाता है। हमें लगता है कि काफ़ी वेट बढ़ गया है और ये काफ़ी स्लो जा रही है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन होती है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी विद एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये हमारे मोशन में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ फिजिकल टर्म्स होती हैं, इसकी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं जिसमें मैंने इनको ईच एंड एवरी टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है विद एग्जाम्पल। नाउ हिंदी में, अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील हो तो उस टाइम पे क्या होगा। आप देखिए, ये यहाँ पे पर्सन है, नीचे mg क्योंकि ये एक्चुअल वेट है, ठीक है, तो ये नीचे की साइड, क्योंकि ग्रेविटी नीचे एग्जिस्ट करती है तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ नीचे की साइड आएगी, इसलिए ये mg नीचे की साइड अप्लाई हो रहा है। ये रिएक्शन है, ये ऊपर की साइड अप्लाई हो रहा है। नाउ एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है, तो आपके पास जो सिचुएशन होगी वो क्या होगा, आर माइनस एम जी, क्योंकि जो रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर की साइड है और ग्रेविटी की वजह से ये जो एक्चुअल वेट है वो नीचे की साइड आ रहा है, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। अब इसमें आर यहाँ पे छोड़ दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड पे, एम कॉमन लेके जी प्लस में ए, इट मीन्स ये जो सिचुएशन है इसमें ये पता चलता है कि जो बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उस टाइम पे उसका वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अगर वही लिफ्ट
एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे की साइड आती है। तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या होती है, हमें जो बॉडी है हमारी वो वेट उसका कम लगने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सिचुएशन है, आप नीचे की साइड आ रही है तो एम जी आपने पहले लिया, माइनस में जो ऑपोजिट रिएक्शन थी, जो रिएक्शन फोर्स था वो एम जी माइनस आर इज इक्वल्स टू एम ए। अब सेम आपने कॉमन निकाल के ये यहाँ पे इक्वेशन लिख दी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब लिफ्ट नीचे की साइड आएगी तो उस टाइम पे जो वेट है वो आपको लाइट फील होगा। नेक्स्ट वन इज लिफ्ट इज अनएक्सेलरेटेड, ए इज इक्वल्स टू जीरो। अगर कोई भी लिफ्ट रेस्ट पे है, विराम अवस्था में है, तो उस टाइम पे ए जो है वो जीरो होगा, तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो अब इसमें एम जी और आर हर बार रहेगा क्योंकि एक्चुअल वेट है और आर आपका अपेरेंट वेट है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आर माइनस में एम जी इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे जीरो है। तो अब जब कभी भी लिफ्ट रेस्ट पे है, विराम अवस्था में है, तो उस टाइम पे जो वेट है वो जो एक्चुअल वेट होता है उसी के इक्वल लगेगा, हमें इसमें कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें जो सिचुएशन आती है वो यही है कि अपेरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट। लास्ट वन इज लिफ्ट इज फ्री फॉल, अगर लिफ्ट फ्री फॉल होती है, फ्री फॉल का मतलब होता है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं हो रखा होता है, अगर लिफ्ट की रस्सी जिसके थ्रू वो ऊपर या नीचे जा रही है अगर वो टूट जाए तो उस टाइम पे क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू जी, एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल्स टू जी। तो इसमें जो आर है, जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो आपका जीरो हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब होगी उस टाइम पे जो वेट है या किसी आदमी का भार है वो हमें शून्य नजर आएगा, मींस कि जीरो, जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि एक वेटलेस है, इसमें कोई भी वेट नहीं है। तो ये फोर सिचुएशंस थी मोशन ऑन अ लिफ्ट, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसे प्लीज ध्यान से करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझसे कॉमेंट करके पूछेगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा।